नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पूर्व सैनिक आत्महत्या मामले में सियासत तेज, राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया हिरासत में। एक रैंक एक पेंशन योजना लागू किए जाने के तरीकों से नाखुश होकर आत्महत्या करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की मौत पर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। अस्पताल में ग्रेवाल के परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पुलिस ने गुरुवार को हिरासत में ले लिया। सिसोदिया के साथ उनके सुरक्षा गार्ड तथा दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र को भी हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि एक पूर्व सैनिक केंद्र सरकार की हरकतों की वजह से आत्महत्या कर लेता है और उनके परिवार से बात करने पर मुझे हिरासत में लिया जाता है, हद है। राहुल ने कहा कि मुझे पूर्व सैनिकों के परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, हम कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसे यह कदम एहतियात के तौर पर उठाना पड़ा है। पूर्व सैनिक का शव नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रखा गया था, जहां से उसे लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया है। राहुल और सिसोदिया सैनिक के परिजनों से मुलाकात करने लोहिया अस्पताल पहुंचे थे, वहां पहले से ही काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें सुरक्षा कारणों से दोनों नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। सिसोदिया को हिरासत में लिए जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि अपने ही राज्य में किसी की मौत पर उसके परिजनों को सांत्वना देने जाना क्या कोई अपराध है? मोदी जी खुद को इतना असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? उल्लेखनीय है कि वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिक ग्रेवाल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हरियाणा निवासी ग्रेवाल वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते वे और उनके कुछ साथी सोमवार से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। परिजनों का कहना है कि रामकिशन अपने साथियों के साथ अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने जहर खा लिया। लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा, हार्दिक पांड्या टीम में शामिल, ईशांत की वापसी। सिमी आतंकियों से मुठभेड़ में भाग लेने वाले हर पुलिसकर्मी को 2 लाख की सम्मान निधि देगी मध्य प्रदेश सरकार। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बेटी का इलाज करवाकर लौट रहे आरक्षक का नक्सलियों ने किया अपहरण। कश्मीर घाटी में अशांति जारी, 117वें दिन भी जनजीवन प्रभावित। इंडोनेशिया के जोहर प्रांत में नौका डूबने से 17 व्यक्तियों की मौत। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।